आज हम पढ़ने वाले हैं हाँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये एप्टीट्यूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो हम लोग इंडियन सिस्टम मतलब ये भारतीय प्रणाली में जो अंक होता है वो क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसको छोड़कर कोई भी डिजिट या फिर अंक नहीं होता है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, जहाँ तक हम लोग नहीं गिन सकते, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं में आता है, ठीक है। अब देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, अगर हम लोग जीरो को भी इंक्लूड करें, जीरो को इंक्लूड करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा, वो होल नंबर मींस पूर्ण संख्याएं होंगी। देखो नेचुरल नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब है, लेकिन इसमें क्या है, जीरो ऐड हो जाता है। तो जीरो ऐड हुआ मीन्स ये पूर्ण संख्याएं होल नंबर होंगे, ठीक। आप देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक संख्याएं। ये क्या क्या होता है, अब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो जैसे हम लोग ये ग्राफ लेते हैं, ठीक है, एक स्केल लेते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। आप देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि जीरो क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। पूछता है कि जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका आंसर यह है कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है, ठीक। क्वेश्चन ये पूछता है, उसको ध्यान दीजिएगा, ये स्केल का ये वाला साइड क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और ये वाला साइड क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखो इवन नंबर, सम संख्या। अगर कोई सा भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स 2 से अगर पूरी तरह से भाग जाता है, तो वो क्या होंगे, धना ये सम संख्याएं होंगे, ठीक है, इवन नंबर होंगे। ये देखो 10 10 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 12 12 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 क्या है, 12 से 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 232 2 से डिवाइड हो जाएगा, 486 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सम संख्याओं को पहचानने का यही तरीका है कि अगर कोई सा भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, कोई सा भी संख्या अगर 2 से भाग पूरी तरह से चला जाता है, तो वो क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याएं, अगर कोई सा भी नंबर या फिर संख्या दिया है, अगर वह 2 से भाग पूरी तरह से भाग नहीं जाता है या फिर डिवाइड नहीं होता है, तो क्या होगा, वो विषम संख्याएं होंगी। अब देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से भी डिवाइड हो और उनका खुद का एक गुणनखंड हो, मीन्स वह जैसे कि 4 है, 4 का क्या है, 2 और 2 2 और 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा, 2 और 3 से हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। इसका 21 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा। 27 का 3 इंटू 9 हो जाएगा। मीन्स कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वे होती है जो क्या है, 1 से भी डिवाइड होती है और वो क्या है, खुद से भी टूट सकती है, मीन्स उनका भी एक डिविजिबल नंबर होता है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक। अब देखते हैं प्राइम नंबर। देखो इसमें क्या था कंपोजिट नंबर में, कि वो 1 से डिवाइड होगा और क्या है, उनका खुद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये होता है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, जो क्या है, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक। देखो अब 11 11 क्या है, 11 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 23 क्या है, 23 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। 19 क्या है, 19 से ही होगा या फिर तो 1 से होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, ठीक है। मीन्स जो नंबर जो है 1 से डिवाइड होगा या खुद के नंबर जो नंबर दिया है उसी से डिवाइड होगा, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक
ठीक है। अब देखो 0 से 50 तक कितना होता है, 15 प्राइम नंबर होता है, और 50 से 100 तक कितना होता है, 10 प्राइम नंबर। मीन्स अगर हम लोग 0 से 100 तक अगर काउंट करें कि टोटल कितने नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो कितना होता है, 25 प्राइम नंबर्स होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अब देखो को प्राइम नंबर, ठीक, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होता है, HCF should be one, means महत्तम समापवर्त जो है इसका 1 होना चाहिए। इसमें कोई सा भी दो नंबर दिया रहेगा, दो संख्या दी रहेगी, उसका अगर महत्तम समापवर्त निकाले तो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, अब देखो अगर हम लोग महत्तम और लघुत्तम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। 11 और 17, 11 और 17 का हम लोग अगर महत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि वो दूसरा दूसरा नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। अब 23 और 37 इसका करेंगे तो इसका भी महत्तम 1 ही आएगा, इसका करेंगे 93 और 79 इसका भी करेंगे तो महत्तम समापवर्त 1 ही आएगा। मतलब को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जो क्या है, उसका महत्तम समापवर्त 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रेशनल नंबर मींस परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये जो है हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम लोग पी को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर, पी क्या है अंश है और क्यू क्या है हर है, ठीक है। जहां पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएंगी, वह परिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो ये क्या है, 2/3, 15/11, 53/21, ऐसे कर करके बहुत सारे आप जैसा भी लिखना चाहें मीन्स, लेकिन नीचे का जो डिनोमिनेटर हर का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं मीन्स जहाँ पे रूट का होता है, मीन्स इस टाइप से ना हो, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि √5 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब देखो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ठीक, अगर हम लोग ये रेशनल प्लस इरेशनल मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ देते हैं, मीन्स ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या कहलाएगी। अगर हम लोग वास्तविक संख्या क्या है बोलेंगे, तो ये भी वास्तविक संख्या है, मीन्स परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, ठीक। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक, प्लेस वैल्यू क्या होता है, अगर मान लो एक एग्जाम्पल दिए हैं 2, 3, 5, 7, 9, 1, 0, अगर हम लोग इसका हर एक का स्थानीय मान निकाले तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 7, 3, 10, 0 होगा, इसका क्या हो जाएगा, 5, 4, 10, 0। मीन्स स्थानीय मान कैसे निकालते हैं कि इकाई इकाई अंक का क्या होगा, वही रहेगा, ठीक। दहाई अंक में क्या हो जाएगा, 1 0 जुड़ जाएगा, फिर सैकड़ा अंक में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी जितना भी है उसको 0 लेते हैं, जैसे कि यहाँ के 5 है, ठीक है, 5 5 का तो 5 लिखेंगे ही, बाकी सबको क्या लेंगे, 0 ही लेंगे, इधर जो है इकाई दहाई सैकड़ा जो, यहाँ पे जैसे 3 है तो बाकी क्या बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो 0 हो गया। यहाँ पे जैसे 2 है तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 3, 3, 6 तो 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब स्थानीय मान ये होता है कि जो नंबर है मीन्स जो अंक है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब अंक 0 हो जाते हैं। अगर ये इसके जगह में है मीन्स जहां पे है उसका जगह छोड़ के बाकी पीछे का अंक पूरा 0 हो जाता है, ठीक। अब देखो जातीय मान, जातीय मान हमेशा नहीं बदलता है, फेस वैल्यू जैसे कि ये कैसो भी नंबर दिया रहेगा, तो यहाँ पे अगर 1 का हम लोग निकालेंगे तो इसका 1 ही आएगा, 8 का निकालेंगे तो 8 ही आएगा, 3 का निकालेंगे 3 ही आएगा, इधर 2 का निकालेंगे तो 2 ही आएगा। मतलब कि जातीय मान में अंक का मान नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान में उस पर्टिकुलर अंक को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। और देखो कभी कभी क्या है, डिजिटल सिस्टम में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बाइनरी देखो इसका 4 फॉर्म होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल।
तो बाइनरी में क्या है, जीरो और वन आते हैं। ऑक्टल में क्या है, जीरो से आठ तक के अंक आते हैं। डेसिमल में क्या आता है, जीरो से दस तक का आता है। हेक्साडेसिमल में क्या आता है, जीरो से 15 तक आता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कोई सा भी नंबर दे देगा, जैसे कि 0110 ऐसा दे दिया, और इसको बोलेगा कि इसको ऑक्टल में चेंज करो, ठीक है, या फिर तो हेक्साडेसिमल में चेंज करो, या फिर तो डेसिमल में दे देगा, उसको बाइनरी में चेंज करो। ठीक, और देखो ये स्थानीय मान जाति मान से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि दो ठो वैल्यू दे देगा, ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, इन दोनों का डिफरेंस निकालो बोल।